हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे माय टॉपिक इज फैक्टर्स आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स चलिए सबसे पहले फैक्टर्स की डेफिनेशन देखते हैं अ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ डेट नंबर्स किसी भी नंबर्स का फैक्टर्स वह होता है जो उस गिवन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे एंड एग्जैक्ट डिवाइड का मीनिंग होता है उस गिवन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताते हैं कि फैक्टर्स को कैसे फाइंड किया जाता है तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स इज फैक्टर्स ऑफ सिक्स मतलब हमें सिक्स का फैक्टर्स फाइंड करना है ओके चलिए देखते हैं सिक्स इज फर्स्ट से डिवाइडेड डिवाइड divide होता है सिक्स टाइम पर देन टू से सिक्स से इज डिवाइड इज थ्री टाइम पर देन थ्री से टू टाइम पर सिक्स जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है देन नेक्स्ट इज सिक्स से वन टाइम पर ओके यहाँ से देखा होगा आपने कि यहाँ से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बट रिपीट वाले नंबर्स को भी राइट right करना मस्ट भी कंपलसरी होता है ओके okay? तो जो फर्स्ट फर्स्ट ऑल नंबर्स है जो स्टार्टिंग के फर्स्ट नंबर्स है वो ऑल आर फैक्टर्स ऑफ नंबर सिक्स जैसे कि फर्स्ट वन टू थ्री एंड सिक्स मतलब वन के टेबल में सिक्स टाइम पर सिक्स कम्प्लीटली डिवाइड होता है टू के टेबल से थ्री टाइम पर सिक्स जो है कम्प्लीटली डिवाइड होता है देन थ्री के टेबल में टू टाइम पर सिक्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है देन सिक्स के टेबल में वन टाइम पर सिक्स पूरा डिवाइड हो जाता है ओके okay? तो जो फर्स्ट नंबर्स है वो क्या है आपके नंबर्स ऑफ सिक्स के ऑल फैक्टर्स है वन टू थ्री एंड सिक्स मीन्स मीन्स कितने फैक्टर्स फोर फैक्टर्स ऑफ नंबर सिक्स ओके चलिए इसी से रिलेटेड हम और कुछ एक क्वेश्चन आपको बताते हैं जिसमें आपको फैक्टर्स के जैसे ही कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है कॉमन मतलब जो दोनों फैक्टर्स में कॉमन है वो नंबर्स आपके कॉमन फैक्टर्स होते हैं तो फैक्टर्स तो आपको सेम इसी नंबर्स के इसी एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग में एक्सप्लेन करना है जैसे हमने नंबर्स फर्स्ट में सॉल्व किया था चलिए देखते हैं फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व वन के टेबल में ट्वेल्व जो है ट्वेल्व टाइम पर पूरा कंप्लीट हो जाता है टू के टेबल में सिक्स टाइम पर ट्वेल्व इज़ कम्प्लीटली डिवाइड देन थ्री के टेबल में फोर टाइम पर ट्वेल्व इज डिवाइडेड डिवाइड एंड फोर के टेबल में थ्री टाइम पर पूरा डिवाइड हो जाता है देन सिक्स के टेबल में टू टाइम पर ट्वेल्व इज कम्प्लीटली डिवाइड देन ट्वेल्व के टेबल में वन टाइम पर कम्प्लीटली डिवाइड आपने एक और चीज़ पर माइंड किया होगा कि ये जो नंबर वन है हमारा जो फैक्टर्स है वन से स्टार्ट होता है एंड उसका एंडिंग भी वन पर ही होना चाहिए ऑल फैक्टर्स राइट करना मस्ट भी कंपलसरी है सभी फैक्टर्स को राइट right करना जरूरी होता है वन के टेबल में वन के टेबल से टू ट्वेल्व टाइम पर ट्वेल्व इज कम्प्लीटली डिवाइड टू के टेबल में सिक्स टाइम पर देन थ्री के टेबल में फोर टाइम पर देन फोर के टेबल में थ्री टाइम पर ट्वेल्व इज एंड सिक्स के टेबल से टू टाइम पर कंप्लीटली डिवाइड होता है ट्वेल्व एंड ट्वेल्व के टेबल से वन टाइम पर ट्वेल्व जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ओके okay? चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम हाँ, आप नंबर्स ऑफ ट्वेंटी का फैक्टर्स देखते हैं वन के टेबल में ट्वेंटी टाइम पर ट्वेंटी जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है देन टू के टेबल में टेन टाइम पर ट्वेंटी डिवाइड होता है देन फोर के टेबल में फाइव टाइम पर ट्वेंटी देन यहाँ से आपने देखा होगा फ़ाइव के पास से नंबर्स रिपीट होने लगा तो फाइव के टेबल में फोर टाइम पर ट्वेंटी देन टेन के टेबल में टू टाइम पर ट्वेंटी एंड लास्ट इज ट्वेंटी के टेबल में वन टाइम पर ट्वेंटी जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ऐसे जहाँ से नंबर्स रिपीट होते हैं वो भी आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप फैक्टर्स राइट करते टाइम भूले ना ओके चलिए अब दोनों नंबर्स के हम फैक्टर्स राइट कर लेते हैं नंबर ऑफ ट्वेल्व के फैक्टर्स ट्वेल्व के फैक्टर्स देखते हैं वन स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाले नंबर वन टू थ्री फोर सिक्स एंड ट्वेल्व एंड फैक्टर्स एंड फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी के फैक्टर्स राइट करते हैं वन टू फोर फाइव टेन एंड ट्वेंटी अब इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कॉमन फैक्टर इस जो क्वेश्चन है इसमें हमें सॉल्व करना है कॉमन फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स का मीनिंग होता है ऐसे फैक्टर्स जो दोनों नंबर्स में प्रेजेंट है तो वन ऐसा फैक्टर्स है जो दोनों में प्रेजेंट है देन टू देन फोर और कोई नंबर है कि जो आपको दिखाई दे रहा है नहीं तो इसमें कॉमन फैक्टर्स में क्या जाएगा वन टू एंड फोर इज़ योर आंसर अगर आपको सिंगल नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स सिंगल नंबर्स में फैक्टर्स फाइंड करना है तो इस तरीके से करेंगे एंड कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है तो जो भी जितने भी नंबर्स आर गिवन होंगे टू नंबर थ्री नंबर्स तो उन्हीं सब उन सभी के फैक्टर्स फाइंड करना है देन उसमें से कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकलना है ये हो गया आपके कॉमन फैक्टर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग